इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली की तमाम तर तफसीलात को लीक करने के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा कदम उठाते हुए एलॉन मस्क से बराह रास्त राब्ता कर लिया है। न सिर्फ राब्ता किया बल्कि ट्विटर यानी एक्स के मालिक एलॉन मस्क से इस केस में मदद भी मांग ली गई है। ये पाकिस्तान के अंदर होने वाली बड़ी डेवलपमेंट है और शायद अपनी मिसाल आप है, इससे पहले ऐसे किसी केस की मिसाल नहीं मिलती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये बड़ी खबर सामने आई जहां जस्टिस बाबर सत्तार और उनकी फैमिली का निजी जाती डाटा लीक किसने किया, इस सवाल पर समाज जारी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत के केस में बड़ा कदम उठा लिया है और वजारत खारजा के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने लार्जर बेंच की हिदायत पर समाजी राबते की वेबसाइट एक्स के चीफ लीगल ऑफिसर को अहम खत लिख दिया है। इस खत में ट्विटर से पाकिस्तानी तहकीकती इदारों को मुतलका मालूमात फराहम करने की दरख्वास्त की गई है। अदालत ने अपने खत में कहा कि एक्स यानी ट्विटर अगर अपना नुमाइंदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने भेजना चाहे तो भेज सकता है और नुमाइंदा भेजते हैं तो इसे खुशाइन तस्वुर किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खत में कहा गया है कि हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार और उनकी फैमिली का जाती डाटा एक्स पर लीक किया गया है। एक्स डाटा लीक करने वाले के अकाउंट की शनाख्त में हमारी मुआवनत करे और अगर ये कोई मुनज्जम मुहिम थी तो इसके लिंक्स के हवाले से भी एक्स मुआवनत करे कि कहां कहां से डाटा लीक करने की कोशिश की गई। एक्स की जानिब से इससे पहले बरतानिया और भारतीय हुकूमतों के साथ मुआवनत देने का हवाला भी खत का हिस्सा बनाया गया है। हाईकोर्ट रजिस्ट्रार की जानिब से खत में कहा गया कि वजारत खारजा और अमरीका में पाकिस्तानी हाई कमीशन खत की सर्विस कराकर रिपोर्ट जमा करवाएं। पाकिस्तान के तहकीकाती इदारों की जानिब से निशानदही किए गए अकाउंट्स की तफसीलात भी खत के साथ मुंसलिक कर दी गई है। न सिर्फ ये, अब ये यकीनी तौर पर ऐसा होगा कि जिन अकाउंट्स ने जस्टिस बाबर सत्तार और उनकी फैमिली के मुतल्लिक जाती नौयत के डाटे को लीक किया वो ये तमाम तफसीलात तो डिलीट कर चुके होंगे लेकिन ट्विटर और एक्स के रिकॉर्ड में और बैकलॉग रिकॉर्ड में तमाम तर तफसीलात मौजूद होती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बराह रास्त अब ट्विटर से ये तफसीलात मांग ली हैं कि जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ ये कार्रवाई कौन कर रहा था और उसका एजेंडा क्या था। लगता यह है कि पाकिस्तान के अंदर ये अदालती नजीर और मिसाल सेट हो जाएगी जिसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की इन तमाम तर कंपनीज और इससे पहले पीटीए के तहत जितनी सेलुलर फोन कंपनीज ऑपरेट की जा रही हैं ये किस तरह डाटा को इस्तेमाल करती हैं, किसे फराहम किया जाता है और जाती नौयत की तफसीलात को लीक कैसे किया जाता है, इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई बड़ा इंतहाई अहम और सख्त फैसला भी आ सकता है।